बात फिर से कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली. आई लव हिम और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. मैं खुद सुनील को जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था तब मैं उनको बोलता था कि एक सुनील करके हसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं. एक मैं उनका वहां पे शो देखा था, मुझे अच्छे लगते हैं, बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो आप, बहुत कुछ सीखते हो. तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं. चीजें ऐसी कुछ हो गई, मुझे मैं इतना इरिटेट हो गया था कि शो मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूं. एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था. ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती है जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो. जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई. मान साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे. और हमेशा मुझे पता नहीं कहां से मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं. तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई. मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूं और छत पे जाता हूं. तो रजाई उठा के लेके जाता हूं, वहां पे कट पैकअप हो गया, अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था. तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई. सो मुझे मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय. तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली. उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफी डिले हो रहा है बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें कि आदमी का दिमाग क्यों खराब होता है. तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते. मुझे नुकसान फायदा नहीं तब समझ में आता है, हम लोग बिजनेसमैन. हम लोग चले गए. जब शो शुरू होने वाला था एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी छोटी चीज होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज होती है, सब मेरे पास आती है. हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पे टैकल करना चाहिए. तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियां दी थी क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे. तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला खत्म हो गया. उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहां पे, उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था. मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो. मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव क्योंकि मुझे आदत है. ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए. उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं, हम लोग मेरे को भी नहीं मिला. मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले मैं सॉरी बोलूं, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियां दे दी जो भी. फिर वो मुझे मिला ही नहीं. फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे तब तक नहीं मुझे मिला. 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी. उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में. तो सुनील भी था, वो वर्ड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों. पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूं, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं. अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता मुझे खाली इतनी मुझे वो शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत मुझे मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है. पर अगर मेरी जगह सुनील होता तो मैं एक बार जाके जरूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है. तो शायद कुछ भी नहीं होता. पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, आई लव हिम, और कहीं भी होगा सुनेगा तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम. अच्छा मैं वैसे मेरा अभी मेरे से सवाल किया नहीं गया, वैसे ये भी था राजीव भी कॉम्प्लीमेंट्री लिख गया था मैं इसको. मैं उसी जगह पे बैठा होता, हमारी टीम के मेंबर पीछे बैठे हुए, बहुत लोग वहां पे थे. प्रेशर बहुत था मेरे दिमाग में एक्चुअली जेन्युइनली. और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ. और भी सवाल होंगे, आपने शाहरुख भाई को सेट से लौटाया है ना, बड़ी खबरें आती है. मैं बताता हूँ आपको, जो आप कुछ भी लिख देते ना कई लोग. अच्छा एक आदमी कोई लिखता है, मुझे एक ये बड़ी प्रॉब्लम है मैम, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कुछ बोला शायद, एक आदमी अगर कोई ऐसी न्यूज लिखता था ना सूत्रों के अनुसार, ये सूत्र कहां रहते मुझे नहीं पता, सूत्रों के अनुसार, और वो आगे दूसरे वाले भी वहां से उठाना शुरू कर देते हैं. मैंने सर एक्चुअली जेन्युइनली मैं जब लैंड किया ना, आया मैंने एपिसोड शूट किया वापिस, फिर यहां से राजस्थान.